ने बोली हमें भरोसा किया कि बाद में हमें अगर अभी कोविड इन्फेक्शन हो तो बाद में दे सकते हैं। वही सिंह पीएम हाँ भाई, और उन्होंने मुझे प्रेस स्टेटमेंट दिया और फिर बाद में बोल रहे कि हमें अभी यूनिट में नहीं बैठा। 80 से ज्यादा स्टेट्स को दे दिया। अभी देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी के अंदर ही है और यूपीसी भी डीओपीटी के अंदर ही है, लेकिन उनको दिया जा रहा है लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा कोई भी कोविड इन्फेक्शन सबको डिफिकल्टी भी दी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ये क्यों है? मिनिस्ट्री वही है, बात भी वही है, यानी कि यूपीसी वालों को अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, हमें अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये न्याय नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने भी शोषण देने से वाला वार्निंग दे दिया, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट दिया। हाँ, सब अलग अलग पार्टी के विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, उन्होंने बोला है कि उनको दे दिए, फिर भी नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इनजस्टिस है और इस इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए यहाँ तमाम पूरे देश भर से जो तो क्या लगता है धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार संज्ञान लेगी? सर देखिए, सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है, एक बात तो है कि पूरी देश की जनता देख रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो सरकार भी 5 साल के लिए ही आती है, कहीं ना कहीं उनका भी भविष्य खतरे में आएगा। अगर हमारे आंख में अगर आंसू देते हैं, हमें अगर रुलाते हैं, तो पूरी देश की जनता देख रही है, पूरा जो हमारा छात्र है, सारे छात्र हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सरकार तो कहती है बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, अगर वो अन्याय करेंगे तो उन्हें भी अपनी कुर्सी पर उनको मौका ही नहीं मिलेगा फिर न्याय करने का, पता चलेगा उनकी सरकार ही चली गई। तो हम यही लगाते हैं उम्मीद उनसे कि हमें न्याय दे दे, हम भी जाके अपने घरों में जाए पढ़े और जो हमारा सपना अपना सपना पूरा करें। आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? सर मैं ऐसे तो 4 ही अटेम्प्ट दिया हूँ, लेकिन मेरी एज खत्म हो चुकी है क्योंकि मैंने लेट से तैयारी किया था। और दूसरा चीज, जब कोरोना दर्शकों को बताएंगे कितनी एज रहती है यूपीएससी एग्जाम देने के, ताकि क्या 32 जो एज होती है वो जनरल की होती है, जनरल और 6 अटेम्प्ट होता है, और जो अदर कास्ट है, जो अदर मतलब ओबीसी है, उनके लिए 35 होती है। हाँ, 35 में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? 9 अटेम्प्ट होता है उनके, 9 अटेम्प्ट है, और जनरल के 6 अटेम्प्ट होते हैं। अटेम्प्ट कितने भी हो, बंदा कब तैयारी चालू करता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने अटेम्प्ट रह चुके और एज कितनी रह चुकी है। हमारी जब एज थी तभी कोरोना आ गया था, और जब लास्ट अटेम्प्ट था तभी कोरोना आ गया था, इसीलिए हमें बोला गया था कि नहीं, सबको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और फिर बाद में यूटर। कितनी एज रिलैक्सेशन की मांग आप कर रहे हैं? हम 3 साल की एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और 3 ईयर और 3 अटेम्प्ट चाहते हैं। सर बात यह है कि सर 18 राज्यों ने दे दिया है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दिया है मध्य प्रदेश पीएससी। 18 राज्यों ने दे दिया है, एसएससी ने दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लीनियंट व्यू रखिए, राज्यसभा की कमेटीज ने बोला है कि आप लीनियंट व्यू रखिए यूपीएससी के बच्चों के साथ, बहुत गलत हुआ। मैंने मेरे भाई को खोया है 2021, बड़े पापा को खोया है, ऐसे कई हजारों बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत सारे बच्चे क्वारंटाइन थे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे, उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। अगर आपने सबको दिया है रिलैक्सेशन, तो आप यूपीएससी के छात्रों के साथ हमारे साथ ऐसा करना है। हम लोग 2 साल से इसी केवल और केवल हम एग्जाम लिखने की परमिशन मांग रहे हैं, अटेम्प्ट मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। सरल भाषा में समझाऊं तो केवल और केवल अटेम्प्ट मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। एग्जाम एक ईमानदार अटेम्प्ट दिया जाए हम लोग, प्लीज प्लीज सर, मोदी जी से मेरा यही निवेदन है कि हमारी विनती सुनिए, सिर्फ अटेम्प्ट दे दीजिए ईमानदारी से, जिससे हम हमारा भविष्य बना सके। हमने हमारी जिंदगी लगा दी यूपीएससी लाइफ फॉर अस। अगर सरकार ये वीडियो देख रही है तो उनको संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो देश का भविष्य है जो आगे जाके ब्यूरोक्रेट बनेगा, जो देश के बड़े अधिकारी का पद संभालेंगे और देश लोकतांत्रिक देश को चलाने का काम करेंगे। क्योंकि कोरोना में जिस तरह से भारत देश पर, पूरे विश्व में असर पड़ा, लेकिन भारत देश पर जिस तरह से त्रासदी फैली और बच्चे यूपीएससी हाय हाय, यूपीएससी हाय हाय, यूपीएससी हाय हाय।
अगर तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, अगर तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा।